अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है, कैसे हैं? वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और सर्दी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है, अपना और अपनी फैमिली का ज़रूर ख्याल रखिएगा। मैंने कहा कि चले मैं अपनी कुछ शॉपिंग जो मैंने की है वो आप लोगों से शेयर कर लूँ। कुछ सूट लिए हैं और कुछ टेलर को दिए हैं। आपको पता है ना कि टेलर एक दिन बताते हैं और देते 10 दिन के बाद हैं, तो अभी तक उनसे सूट जो है मेरे नहीं आए। तो मैंने कहा जो मैंने शॉपिंग की है ये अभी टेलर के पास लेके जाने हैं, चले आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। ये मैंने लिनन का सूट लिया है, गले पे तो एम्ब्रॉयडरी है लेकिन दामन प्रिंट वाला है। ये इसका जो आपको पिंक फूल वाला नज़र आ रहा है ये ट्राउज़र है, और ये वुलन शाल है। ये इस तरह से है। अच्छा, और ये दूसरा सूट देखें, ये इसकी भी एम्ब्रॉयडरी है, बाकी प्रिंटेड है, ये प्रिंटेड ट्राउज़र है और ये इसकी शाल है। ये इस तरह से है। मेरी शॉपिंग आप लोग देखते जाइए। अच्छा, ये मैंने और मेरी बेटी ने सेम लिया है, नेवी ब्लू कलर का है। हमें बहुत अच्छा लगा है इसकी एम्ब्रॉयडरी, इसका ट्राउज़र। ये देखें, इस पे काम भी है और ये आप देख रहे हैं दामन पे भी लेस है। ये बहुत ज़बरदस्त लगेगी जब बन जाएगा। जब बन जाएगा तब भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो मेरी बेटी को भी बहुत अच्छा लगा है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा है। हम दोनों माँ बेटी ने सेम ले लिया है, फिर इंशाल्लाह बनाएंगे। जब बन जाएगा तब भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये मैंने खदर का एक सूट लिया है, बहुत ज़बरदस्त, मुझे बहुत अच्छा लगा है इसका कलर, इसका कलर कॉम्बिनेशन। तो बस फिर मैंने कहा कि मैं मंगवा लूँ। ये लाइम लाइट वालों का है। मेरा मकसद किसी ब्रांड को शेयर करना नहीं है, सिर्फ अपनी शॉपिंग आपसे शेयर करना ही है। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त है। और भी अगर आप देखें लाइम लाइट के पेज पे तो बहुत ज़बरदस्त प्रिंट है इनके। अच्छा, और ये देखें, ये भी लीलन का सूट है, इसकी एम्ब्रॉयडरी भी बहुत अच्छी लगी है, इसके ट्राउज़र पे काम भी है, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा है, इसके स्लीव्स पे भी काम है। ये देखें तो इसकी एम्ब्रॉयडरी और इसका काम बहुत साफ और नीट है। तो बस मुझे अच्छा लगा और फिर मैंने ये ले लिया। तो ये कुछ सूट हैं जो अनस्टिच्ड हैं, कुछ टेलर के पास हैं। जो स्टिच सूट है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये देखें एम्ब्रॉयडरी का सूट, मुझे इसकी भी एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी लगी। ये स्टिच्ड है और ये फुल एम्ब्रॉयडरी है। और सबसे ज़्यादा मुझे जिस चीज़ ने इम्प्रेस किया है वो इसका है दुपट्टा। इसके दुपट्टे की वजह से मैंने ये सूट ले लिया। देखिए इसका दुपट्टा कितना ज़बरदस्त है। और सभी मैंने बताया है कि फैमिली में शादी स्टार्ट है, इसके लिए भी मैंने देखे ये काम वाला सूट लिया है। इसका ये गला देखें, ये इसका दुपट्टा है, ये रेडी टू वेयर है। ये मैंने अभी स्टिच करवाना है। ये इसके स्लीव्स हैं, ये इसका बैक साइड है। कितना ज़बरदस्त काम है। और सबसे ज़्यादा इसका जो है वो ट्राउज़र बहुत प्यारा है। ये देखें, ये जब स्टिच हो जाएगा तो और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। ये फुल शर्ट देखें, जब ये स्टिच हो जाएगी तो बहुत अच्छी लगेगी। ये देखें बहुत जबरदस्त काम है, मुझे तो अच्छा लगा है। हर बंदे के अपने ख्यालात होते हैं, पता नहीं आपको कैसा लग रहा है लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा है। अच्छा व्यूवर्स, ये सूट स्टेज्ड है, ये देखें ये कितना ज़बरदस्त है। लीलन का सूट है, इसके साथ शेफून का दुपट्टा है, लेकिन इसका गला, इसके बटन, ये इस तरीके से मैंने डिज़ाइनिंग की है। ये आप देख रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त लगता है क्योंकि इसकी कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी है।
एम्ब्रॉयडरी है ये सारी, बहुत अच्छी लग रही है। और ये गला भी टेलर ने बहुत अच्छा बनाया है, मैंने उसे इसी तरह बताया था, इस हिसाब से उसने बनाया है। तो आप देख रहे हैं इसकी एम्ब्रॉयडरी बहुत ज़बरदस्त लग रही है। तो बस ये इस किस्म के सूट जो होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, कलरफुल होते हैं, आंखों को अच्छे लगते हैं। ये सूट देखें, ये अभी स्टिच करवाने हैं क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि फैमिली में शादी शुरू है। ये इसका दुपट्टा है, इसका काम भी बहुत अच्छा है। अच्छा ये येलो सूट है, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। ये इसका फ्रंट है, इसके साथ लेस भी है। ये फ्रंट है, ये इसका बैक है, और ये इसका दुपट्टा है। यानी ये इस तरह से है। उम्मीद है आपको मेरी शॉपिंग अच्छी लगी होगी। अब ये सारे मैंने स्टिच करवाने हैं, अब देखते हैं ना टेलर मुझे कब टाइम देता है। लेकिन जल्दी सी लेता है, हमारा टेलर बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी सी लेता है, जैसी डिज़ाइनिंग बताओ वैसी कर लेता है। लेकिन फिर भी देखना पड़ता है कि वो कब हमसे कहेगा कि बस ले आए, क्योंकि शादियों का सीज़न है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, तो इसीलिए थोड़ा हमें इंतज़ार करना पड़ता है। अच्छा ये सूट देखें, इसकी मैंने इस तरह से डिज़ाइनिंग की है। अच्छा ये सूट देखें, इसकी मैंने इस तरह से डिज़ाइनिंग की है। गला आप देख रहे हैं, ये सारी फुल एम्ब्रॉयडरी है, और दामन पे भी मैंने बीट्स लगवाए हैं ये, और ये लेस लगी हुई है। ये भी पहनते हुए बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त लगता है। इसके साथ ऑफ वाइट ट्राउज़र है और शेफून का दुपट्टा है। ये लीलन का सूट है, और ऐसी लीलन है कि सर्दी में आराम से, इन दिनों में ऐसी सर्दी में, अभी क्योंकि फुल सर्दी तो नहीं आई, तो आराम से पहना जा सकता है। अच्छा कुछ फंक्शन भी स्टार्ट है हमारी फैमिली में, तो ये सिल्क का सूट है, ये भी मैंने बनाया है। इसके साथ भी सिल्क का ही ट्राउज़र है, और फिर मैंने इस तरह से दुपट्टे पे ये करवा ली है, पीको है ये। बहुत ज़बरदस्त सूट है, ये पहने हुए बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि वाइट और शॉकिंग पिंक का कंट्रास्ट बहुत ज़बरदस्त लगता है। अच्छा आखिर में मैं एक ये चीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, ये शर्ट आप देख रहे हैं, ठीक है मैं डिज़ाइनिंग भी कर लेती हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे कि ये शर्ट दुपट्टे से बनी हुई है। ये मेरा पूरा सूट था जो मैंने आशीन पेशावर से लिया था, लेकिन इसकी शर्ट ख़राब हो गई थी, तो मैंने क्या किया है कि दुपट्टे से, ये देखें स्लीव्स मैंने उसी शर्ट की ले ली, और दुपट्टे से ये शर्ट बनी है। कहीं से भी आपको नहीं लगेगा कि ये दुपट्टे से बनी हुई है। ये जो दुपट्टे के दामन पे जो थे ये यहाँ लगा लिए, ये देख रहे हैं आप। तो इस तरह से मैं कभी कभार डिज़ाइनिंग कर लेती हूँ, कपड़ा ज़ाया होने से बच जाता है, और एक सूट भी मज़े से तैयार हो जाता है। और फिर मैंने दुपट्टा जो है इस कलर का डाई करवा लिया था, उस पर पीको वगैरह करवा ली, और शलवार मैंने कंट्रास्ट में ली है। तो इस तरह से किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था, इस तरह से मुख्तलिफ मौक़ों पे मैं डिज़ाइनिंग करके, जो सूट हम ऐसे ही रख देते हैं, कुछ अच्छा पड़े रहते हैं, उसके अगर आप डिज़ाइनिंग करके दोबारा पहन लें तो अच्छे लगेंगे। उम्मीद है कि मेरी आज की शॉपिंग आपको पसंद आई होगी। व्यूवर्स मैं आखिर में एक अच्छी बात कहना चाहती हूँ, दो बातें कभी भी मत भूलिएगा, और इन बातों के करने से कुछ जाता भी नहीं है, एक मुस्कुराहट और दूसरी दुआ। मुस्कुराते रहिए और दुआ बांटते रहिए। उम्मीद है कि मेरा आज का ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।